हरियाणा में विधानसभा चुनावों का डंका अब जोर शोर से जनसंपर्क कर रहे उम्मीदवारों ने बजा दिया है। अब राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। ऐसे में दल बदल का खेल भी आरंभ हो जाएगा, लेकिन मतदान करने वाली जनता जनार्दन किसको अपनी जीत सौंपेगी ये अभी बाकी है। फरीदाबाद लोकसभा के पटला विधानसभा अब सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां एक ही पार्टी ने इस सीट के कई दावेदार हुंकार भर रहे हैं। पार्टी किसको टिकट देगी ये बाद की बात है। फिलहाल कुछ महीनों में पटला विधानसभा में उथल पुथल मचाने वाले निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र वशिष्ठ ने फतेहपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वशिष्ठ ने बसपा के प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मेरा बसपा ज्वाइन करने का, पब्लिक की सेवा करने के लिए मैंने बसपा ज्वाइन की है। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी की सेवा के लिए मुझे बसपा का प्लेटफार्म सबसे अच्छा चचा। मैंने सोचा यहीं आके सेवा कर सकता हूं। पिथला विधानसभा क्षेत्र क्यों चुना? पिथला विधानसभा क्षेत्र में मैं पिछले एक वर्ष से कार्यरत हूं। बघोला में मेरा रेजिडेंस तैयार हो रहा है और फतेहपुर बिलोज में मेरा कार्यालय जिस जहाँ पर हम बैठे हैं, इसलिए मैं यहाँ से पिछले एक साल से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो इसलिए पिथला क्षेत्र को चुना। लगता है मौका मिल पाएगा, टिकट मिल पाएगी आपको बसपा से? अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और नहीं देती है तो फिर दूसरे का किसी का समर्थन दोगे या क्या करोगे? अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है, किसी साथी को मिलती है अपने बसपा के, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से पार्टी की सेवा। जैसा कि आप जानते हो कि 2014 के विधानसभा चुनाव में पटला से बसपा के उम्मीदवार पंडित टेकचंद शर्मा ने बाजी मारी थी, तब प्रदेश में मोदी लहर का भी डंका बजा था। ऐसे में बसपा के टिकट के लिए घमासान युद्ध होना साधारण हो गया है, लेकिन सुरेंद्र वशिष्ठ की टिकट पर दावेदारी जनता को कितना लुहाती है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र के बसपा नेताओं को ये दावेदारी शायद खलेना। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम बसपा नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और पार्टी में सुरेंद्र वशिष्ठ का स्वागत किया। अब आगे देखते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से किस नेता का बसपा के टिकट के लिए पलड़ा भारी होता है और किसको मुंह की खानी पड़ेगी। फरीदाबाद से गोविंद तंवर के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट।